हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रोशनी। मैं हूँ रोशनी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम ट्राइपॉड के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर अ क्रिएटर और यूट्यूबर, सो यू नीड अ ट्राइपॉड फॉर मेकिंग वीडियो। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट इन दिस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये ट्राइपॉड का इमेज बना हुआ है और ये ट्राईपॉड है 3110 ट्राईपॉड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप काफ़ी चीप एंड बजट फ्री ट्राईपॉड देखेंगे। ये रहा इसका रिटेल पैकेजिंग। मुझे ये ऐसे ही मिला है और मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया है। और फ्रेंड्स, ये एक कैरी बैग में आया था जिसमें से मैंने इसे निकाला है और ये इसका रिटेल पैकेजिंग है। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये है 3110 ट्राईपॉड। काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है। फ्रेंड्स, इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है ये थ्री वे पेन हेड। इसमें थ्री वे पेन हेड दी हुई है, फोर सेक्शन लेग दिया हुआ है एंड ये क्विक लीवर लॉक है और ये रबर लेग टिप वाला है। तो फ्रेंड, इसके लेग में रबर की टिप लगी हुई है। इसके फीचर्स, इसके फंक्शन को हमने देख लिया। अब ये किस प्रकार से एक्सटेंड होता है हम ये देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है 3110 ट्राईपॉड स्टैंड होल्डर। फ्रेंड्स, इसमें हमें मिलता है एक मोबाइल होल्डर ब्रैकेट जिसमें आप अपने मोबाइल को माउंट कर सकते हैं एंड अपने DSLR को भी माउंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ ये स्क्रू दिए हुए हैं। ये स्क्रू की लेंथ है, ये है 1/4 इंचेस की, 1/4 इंच की ये दी हुई है। एंड ये होल्डर है, रोटेटर आप जिसे कह सकते हैं। आप अपने मोबाइल को माउंट करके या अपने DSLR को माउंट करके आप किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट कर सकते हैं और फ्रेंड आप इसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से ये फिक्सर दिया हुआ है और इसको अलग से फिक्स करने के लिए कोई स्क्रू नहीं दिया हुआ है लाइक दिस। और फ्रेंड्स, आप ये रोटेटर की हेल्प से ही इसे राउंड कर सकते किसी भी एंगल में और आप फिक्स कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे अपने मोबाइल को यहाँ पे फिक्स करना है इस एंगल पे, तो मैं यहाँ रखकर इसे फिक्स कर दूंगी और ये अपनी जगह से फिक्स हो जाएगा दिस लाइक दिस। अब आप इसे फ्री कर सकते हैं। आपको किसी भी एंगल में लेके जाना हो तो आप इसे फ्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्क्रू आपको दिख रहा है, आप इस फर्स्ट स्क्रू को लूज करके, फ्री करके आप इस हेड को किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू के थ्रू हम इसे लूज करके आप इस हेड को मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देन मैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक, यहाँ पर एक बबल लेवल पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक इंडिकेटर होता है कि यदि आप यहाँ पर अपने मोबाइल को और अपने DSLR को माउंट करते हैं तो ये बताता है कि आपका मोबाइल या DSLR फिक्स हो चुका है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। हम इसे यहाँ पर फिक्स कर देते हैं इस प्रकार से और इसे यहाँ मैंने फिक्स कर दिया इस प्रकार से। अब ट्राइपॉड के साथ जो मोबाइल होल्डर ब्रैकेट आया है, इसका यूज करेंगे हम, यहाँ अपने मोबाइल को माउंट करेंगे। तो यहाँ नट बोल्ट के ऊपर इसे हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ इसे फिक्स कर देते हैं इस तरीके। तो अब ये पूरी तरह से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। यहाँ पर अब आप अपना मोबाइल माउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ, तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसके लेग को ओपन करेंगे। ये जो पूरी फुल बॉडी बनी हुई है, ये है एल्यूमिनियम की बनी हुई बॉडी
और इसका वेट काफ़ी लाइट है। आइए हम देखते हैं इसके लेग्स को, अब हम ओपन करके देखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको फिक्स कर दिया है, अब ये मूव नहीं हो पा रहा है। अगर ये आपको अपने मोबाइल को किसी दूसरे एंगल पे इस प्रकार से फिक्स करना है या इस प्रकार से फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे मोबाइल को यहाँ पे फिक्स करना है इस एंगल पर, तो मैंने इस रोटेटर को यहाँ से फ्री किया इस प्रकार से लाइक दिस, और अब मैंने इस एंगल पे रख कर यहाँ से इस रोटेटर को मैं फिक्स कर दूंगी, इस प्रकार टाइटली फिक्स कर दूंगी ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी ना मूव करे। तो इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है और ये देखिए अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा है। अब इसे आपको हटाना है, दूसरे एंगल पे रखना है, तो आप यहाँ से इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं या एंगल चेंज कर सकते हैं इस प्रकार। तो मुझे अगर इस प्रकार रखना है तो यहाँ पर मैंने लाकर इस प्लेस पर इसको टाइटली फिक्स कर देना है लाइक दिस। अब फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी फुल बॉडी एल्युमिनियम की बनी हुई है और इसके जो लेग्स दिए हुए हैं, अब हम इसे ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसे ओपन कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड हम इसे देखेंगे कि ये कितना एक्सटेंड होता है एंड इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्विक इसका जो फर्स्ट लॉक है इसे अनलॉक करना है एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से आप ओपन करेंगे इस तरह से लाइक दिस। अब आप यहाँ से इसे इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं, कितना फिक्स करना चाहते हैं इसकी लेंथ को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसकी तो पूरी फुल लेंथ है जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये पूरी फुल लेंथ दिख रही है इसकी। अगर आपको इसे कम लेंथ पर रखना है तो आप इस प्रकार से रख कर आप यहाँ से इसे अनलॉक इस तरह से कर सकते हैं। तो ये अब फिक्स हो चुका है, देखिए अब ये मूव नहीं हो पा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। और आपको अगर इसकी लेंथ को बढ़ाना है तो आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर देंगे लाइक दिस, और आप यहाँ से इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। अब मैंने यहाँ पर इसकी पूरी फुल लेंथ ले लिया है, अब मैं यहाँ पर इसे लॉक कर दूंगी इस प्रकार। सेकंड पार्ट को भी हम उसी प्रकार से लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। एज यू कैन सी इस प्रकार एक्सटेंड करने के बाद आपको एक एक लॉक को इस प्रकार से लॉक करते जाना है। नेक्स्ट अब यहां पर आते हैं हम थर्ड। तो मैंने आपको यहाँ पर नीचे से ओपन करके दिखाया है, आप यहाँ ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं ऐसे यहाँ से लॉक कर दूंगी। तो फ्रेंड ये इसकी पूरी फुल लेंथ है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम वन बाय वन इसे भी ओपन कर लेंगे, ये फर्स्ट लॉक, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। मैंने सब लॉक ओपन कर दिया और ये इस तरह से ओपन हो चुका है। सेम प्रोसेस यहां पर भी रहेगी। इस प्रकार से आपने लॉक को ओपन करना है, इस प्रकार से आपने इसे अनलॉक कर दिया है। तो अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पर इसे लॉक करना नहीं भूलना है, वरना ये स्लिप होगा इस तरह से आपको, एंड इस प्रकार से आप इसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी लेंथ को आपको और बढ़ाना है तो आपको इस स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस स्क्रू को फ्री कर रही हूँ लाइक दिस, और आप यहाँ से इसकी लेंथ को इस प्रकार आपको इतना बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए। यहाँ से इसकी लेंथ को बढ़ाने के बाद आप इसको फिर से टाइटली फिक्स कर दीजिए इस प्रकार। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका ट्राइपॉड
कंप्लीट है इस प्रकार से। और फ्रेंड आपका ये ट्राइपॉड यहाँ पर सेटअप इसका तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल को फिक्स करना है, तो मोबाइल आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, फाइल को इस प्रकार माउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका ट्राइपॉड का सेटअप यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने ट्राइपॉड को देखा कि किस प्रकार से हमने ये ट्राइपॉड को ओपन किया है। इसकी टोटल लेंथ है फ्रेंड, इसकी लेंथ मैक्सिमम 35 टू 40 इंच की है। अब इसे आपको बंद करना हो तो किस प्रकार से आप बंद करेंगे देखते हैं। जिस प्रकार हमने ओपन किया था उसी प्रकार हम इसे बंद करेंगे। तो अब यहाँ से जो फर्स्ट वाला आपका लॉक दिया हुआ है इसको आपको इस तरह से बंद करना है। सेम प्रोसेस इसकी रहेगी, आप यहाँ से इसको बंद करेंगे। से आपको इस स्क्रू को फिक्स कर देना है और यहाँ से आपने इसे टाइटली फिक्स कर देना है। तो और फ्रेंड्स इसके बाद आप इसे ओपन करके इस प्रकार से आपका ये पोर्टेबल ट्राइपॉड दिखाई देता है। इस प्रकार ये पोर्टेबल एंड एडजस्टेबल ट्राइपॉड है। यदि आपको ये ट्राइपॉड परचेस करना है तो मैं इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।